भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले के लिए दो बड़े बदलाव के साथ घोषित हुई भारतीय टीम के खतरनाक प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, आखिरकार तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम में हुए हैं कौन से बड़े बदलाव, साथ ही कैसी है तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11, बताएंगे आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हो टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिलहाल 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके दो शुरुआती T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहले T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत दर्ज की, जबकि टीम इंडिया ने दूसरे T20 मुकाबले में पलटवार करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। अब आपको बता दें कि सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला रविवार 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाना है। बात करें अगर पहले बड़े बदलाव के बारे में तो आपको बता दें कि हमें दीपक चहर तीसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जबकि उनकी जगह हर्षल पटेल को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं बात करें अगर दूसरे बड़े बदलाव के बारे में तो आपको बता दें कि दीपक हुड्डा हमें तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ऋषभ पंत को अब तीसरे T20 मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखाया जाना है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि तीसरे T20 मुकाबले के लिए कैसी है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, दीपक चहर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों ये हैं वो 11 खिलाड़ी जो हमें तीसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।